मोदी सरकार सत्ता में आई तो वे कुछ योजनाएं भी लाई। उन्हीं योजनाओं में से एक योजना मोदी केयर योजना भी है। बता दें, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को कहा कि मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मोदी केयर को बंगाल में लागू नहीं करेगी। ममता कहती है कि राज्य सरकार अपनी गाढ़ी मेहनत से जुटाए गए संसाधनों को इस कार्यक्रम में लगाकर बर्बाद नहीं करेंगी। राज्य के कृष्णानगर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए ममता ने कहा, केंद्र सरकार एक ऐसी स्वास्थ्य योजना लेकर आई है जिसमें 40% फंड राज्य को देना होगा। सवाल यह उठता है कि राज्य सरकार एक और कार्यक्रम के लिए पैसे क्यों खर्च करे जब उनके पास पहले से ही ऐसा कार्यक्रम है। राज्य के पास संसाधन होगा तो वह अपनी योजना चलाएगा। ममता ने कहा कि बंगाल में तो उनकी सरकार ने अस्पतालों में भर्ती और उपचार को पहले से ही मुफ्त कर रखा है। बंगाल सरकार ने अपने स्वास्थ्य साथी कार्यक्रम का लाभ अब तक 50 लाख लोगों तक पहुंचाया है। इस घोषणा के साथ ही मोदी केयर से इनकार करने वाला बंगाल देश पहला राज्य बन गया है। अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि कौन कौन से राज्य इस योजना को लागू करने से इनकार करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन टाइम्स।